ये वो लोग हैं जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी। पिछले साल उत्तरकाशी की सिलकयारा सुरंग में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले 12 रैक माइनर में से एक माइनर के मकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। रैक माइनर ने दिल्ली विकास प्राधिकरण GDA पर दिल्ली के खजूरी खास स्थित श्रीराम कॉलोनी में बने घर को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। रैक होल माइनर वकील हसन का कहना है कि DDA प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर को ढहा दिया। उनका कहना है कि मैंने 2013 में ये मकान खरीदा था। मकान की रजिस्ट्री 1987 की है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनका मकान ढहा दिया। कहा जा रहा है कि ये मकान DDA की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ था। हसन ने केंद्र सरकार और DDA से ये अपील की थी कि अगर सरकार उन्हें सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए कोई इनाम देना चाहती है तो सरकार DDA की जमीन पर बने उनके अवैध मकान को नहीं तोड़े। देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता और अच्छी भी नहीं लगती है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया और मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर, अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा पूरी जिंदगी। अब ये बात देखिए, आदमी का आजकल कमाना मुश्किल हो रहा है, वो घर कहाँ से लेगा, उसे बनाएगा कहाँ से, अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा, कहाँ जाएगा आखिर वो। यही काम रहे कि वो मर जाए तो फांसी खा के मर जाए, यही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है फिर तो। मैंने इनसे बोला कि आप किस वजह से और किस बेस पे, क्या मतलब आपके पास क्या चीज है जो आप इसे तोड़ने के लिए आए हैं, तो इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया। बस तोड़ने से मतलब है, हटाने से मतलब है। हमें मुझे पकड़ा, पकड़ के अपना पुलिस स्टेशन भेज दिया, मुझे पुलिस स्टेशन में पैक कर दिया। मेरे साथ मेरे दोस्त मुन्ना भी थे, उन्हें भी वहां पर मतलब रखा 8 बजे तक, और मेरी जो लड़की है माइनर है वो भी, उसे भी वहां रखा, मेरी बीवी है उसको भी वहां रखा उन लोगों ने, और मेरा बेटा भी मेरे साथ में था। बेटे के सर चोट लगी है, घुटने में चोट ने खींचा था सर, उन लोग खींच के उसके मारा भी सर, उसके लड़के को मारा भी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA का कहना है कि ये अभियान उस जमीन पर चलाया गया जो डेवलपमेंट लैंड का हिस्सा थी। पुलिस ने कहा कि अभियान के दौरान अवैध रूप से निर्मित कई निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। DDA ने एक बयान में कहा कि 28 फरवरी को खजूरी खास गांव में अपनी अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए DDA द्वारा एक अभियान चलाया गया था। यह जमीन डेवलपमेंट लैंड का हिस्सा थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सिलकयारा टनल में 12 नवंबर को लैंडस्लाइड के बाद बड़ा हादसा हो गया था। दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद ब्रह्मखाले मुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलकयारा दंडालगाम सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर फंस गए थे। फंसे हुए मजदूरों को एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई थी। NDRF, SDRF, BRO, परियोजना से जुड़ी एजेंसी NHIDCL और ITBP समेत कई एजेंसियां बचाव प्रयासों में शामिल हुई, लेकिन कोई एक्शन प्लान काम नहीं आया था। काफी मशक्कत के बाद रैक माइनर्स उत्तरकाशी पहुंचे और इन मजदूरों ने 21 घंटे के अंदर 10 से 12 मीटर तक हाथों से खुदाई कर सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला था। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA का कहना है कि ये अभियान उस जमीन पर चलाया गया जो डेवलपमेंट लैंड का हिस्सा थी। पुलिस ने कहा कि अभियान के दौरान अवैध रूप से निर्मित कई निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। DDA ने एक बयान में कहा कि 28 फरवरी को खजूरी खास गांव में अपनी अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए DDA द्वारा एक अभियान चलाया गया था। यह जमीन डेवलपमेंट लैंड का हिस्सा थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सिलकयारा टनल में 12 नवंबर को लैंडस्लाइड के बाद बड़ा हादसा हो गया था। दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद ब्रह्मखाले मुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलकयारा दंडालगाम सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर फंस गए थे। फंसे हुए मजदूरों को एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई थी। NDRF, SDRF, BRO, परियोजना से जुड़ी एजेंसी NHIDCL और ITBP समेत कई एजेंसियां बचाव प्रयासों में शामिल हुई, लेकिन कोई एक्शन प्लान काम नहीं आया था।
काफी मशक्कत के बाद रैट माइनर्स उत्तरकाशी पहुंचे और इन मजदूरों ने 21 घंटे के अंदर 10 से 12 मीटर तक हाथों से खुदाई कर सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।